नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन या किसी भी फूड बिजनेस की डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स कौन कौन से हो सकते हैं, लगभग यहाँ मैं आपको चार मॉडल्स के बारे में बताने वाला हूँ। इनके बीच जो अंतर का जो पैमाना रखने के लिए हमने यहाँ पे तीन क्राइटेरियाज लिए हैं, जो कि पहला है इन्वेस्टमेंट, पैसा कौन लगाएगा, ऑनर की इन्वॉल्वमेंट, तीसरा ऑपरेशंस, और यहाँ पे जो चौथा पार्ट जो सबसे मेन रेवेन्यू का होता है वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू हमेशा कॉन्फिडेंशियल होता है। आपको कुछ परसेंटेज फिक्स करनी होती है या कुछ फिक्स अमाउंट यहाँ पे फिक्स करना होता है, तो ये कम्प्लीटली आपके और फ्रेंचाइजीज के बीच में डिपेंड करता है। तो इस पार्ट को हम लोग नहीं यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, या फिर अगर आप बोलोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं, यहाँ पे पहले सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा बिग वे कैफ़े, जो कि देहरादून उत्तराखंड में है। 3 साल उन्होंने पूरे कर लिए हैं, 15 अगस्त को उनको 3 साल हो जाएंगे, और उनके अगर फीडबैक्स की देखें, उनके कस्टमर के रिव्यू देखें, तो वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इवन वो मेरे मेंटी भी हैं, लगभग 1 साल से हम लोग कनेक्टेड हैं, और जो बिरयानी ब्लेंड उनका जो आउटलेट है, बिरयानी ब्लेंड क्लाउड किचन का जो उनका आउटलेट है, वो मेरे द्वारा ही ऑपरेट किया गया है। मैं यहाँ पे उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी सर्विसेज ली, और उनके लिए मैं शुभकामनाएं उनको देना चाहूँगा कि वो फ्यूचर में भी और अच्छा काम करें, लोगों को और अच्छा अच्छा खाना खिलाएं। तो चलिए, सबसे पहला यहाँ पे जो मॉडल है वो होता है हमारा कोको, COCO, कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। कंपनी के द्वारा ही पैसा लगाया गया है और कंपनी ही उसको चला रही है, तो इस प्रकार की जो फ्रेंचाइजी होती है वो आप नहीं खरीद सकते हो। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सारी की सारी कंपनीज की होती हैं। इसके बाद जो इसमें ऑनर की तो बात ही नहीं आती है, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा कंपनी के द्वारा ही लगाया गया होता है। इसके बाद जो ऑपरेशंस होते हैं वो भी कंपनी ही देख रही होती है, और रेवेन्यू भी सारा का सारा उनके पास ही आ रही होती है। जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं वो लोग अलग अलग जगह पे देखते हैं कि भैया मैं कहाँ पे पैसा लगाऊं, तो वो खुद ही पूरा का पूरा पैसा वहाँ पे लगा देते हैं, वो किसी की भी बाहर की इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार के जो फ्रेंचाइजी के मॉडल होते हैं उसको हम लोग कोको मॉडल बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरा मॉडल आता है वो आता है हमारा फोको मॉडल, FOCO, अगर मैं इसकी फुल फॉर्म बोलूं, फ्रेंचाइजी ओन्ड और कंपनी ऑपरेटेड। यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो फ्रेंचाइजी की लगती है, ऑनर का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि ये कंपनी के द्वारा ऑपरेटेड होती है। ऑपरेशंस भी सारे के सारे कंपनी ही देखती है, पर यहाँ पे जो भी वो लोग वहाँ पे ऑपरेशंस देख रहे होते हैं उसके लिए वो कुछ एक परसेंटेज फिक्स कर देते हैं, या कुछ ना कुछ मिनिमम गारंटी ले लेते हैं कि भाई हम आपका पूरा ऑपरेशंस देख रहे हैं, हम आपकी मैन पावर देखेंगे, सब कुछ हम लोग देखेंगे, तो हमको भैया इतना लाख रुपए या इतने हज़ार रुपए या इतना परसेंट हमें दे दीजिएगा। तो इस प्रकार के मॉडल को हम लोग बोलते हैं फोको मॉडल। इसके बाद जो तीसरा मॉडल आता है वो आता है हमारा फोफो मॉडल। फोफो का मतलब अगर मैं बोलूं तो फ्रेंचाइजी ओन, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, और ये सबसे ज़्यादा चलता है। इसके अंदर क्या होता है, जो एक ब्रांड होता है, रेस्टोरेंट हो, क्लाउड किचन हो, वो अपने आप को सेल आउट कर देता है या अपने आप को रेंट आउट कर देता है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सारी की सारी फ्रेंचाइजी की होती है, फ्रेंचाइजर की होती है, जो भी कंपनी खरीदना चाहती है उनके ब्रांड को। ऑनर की इन्वॉल्वमेंट 100% होती है, ऑपरेशंस भी सारे के सारे अगर आप बोलेंगे तो जो ऑनर होता है वही देख रहा होता है, और सारा का सारा रेवेन्यू भी उसके पास जाता है। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू की अगर मैं बात करूँ, तो अगर उन्होंने पहले से कुछ अगर कांटेक्ट किया है कि भैया हमें इतनी परसेंटेज सेल का देना है या इतना परसेंट प्रॉफिट का देना है, वो सारा उनको देना पड़ता है। बाकी उनकी एक 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 मुश्त आप बोल सकते हैं किस, या अपने अपने जो ब्रांड की वैल्यू यहाँ पे वो ले लेते हैं, या बोल सकते हैं कि वो अपने एक ब्रांड को रेंट आउट करते हैं। इसके बाद कम्प्लीटली उनके हाथ में होता है कि वो उस ब्रांड को अपने तौर से किस तरीके से लाएं। इसमें भी कई सारे एग्रीमेंट्स हो जाते हैं कि भाई आपको कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट नहीं यूज़ करने हैं, अगर आप कोई नया प्रोडक्ट या नई डिश ला रहे हो तो क्या आपको हमसे पूछना है, ये सारी की सारी चीज़ें पहले ही डिस्कस हो जाती है। यहाँ पे ये भी होता है कि अगर आप इस मॉडल को ले रहे हो तो जो जिसकी भी वो कंपनी होती है, जो भी उसके फ्रेंचाइजर होता है, वो आपसे साइन करवा लेता है कि भैया अगर आपने बिरयानी का ब्रांड लिया है तो आप फ्यूचर में अपने सिटी के अंदर कभी भी बिरयानी का ब्रांड नहीं खोल पाएंगे। आप चाहे तो किसी दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, या फिर कुछ और ब्रांड या कुछ और चीज़ खोल सकते हैं, पर आप सेम सिटी में कभी भी सेम चीज़ें नहीं खोल सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है जब भी आप इस तरीके के पेपर साइन करें।
जो सबसे लास्ट मॉडल है वो है हमारा कोफो मॉडल, COFO, कंपनी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। यहाँ पे सारा का सारा जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, वो कंपनी के द्वारा लगाया जाता है। एक इनिशियल पूरा का पूरा वो सेटअप करके दे देते हैं और उसके बाद वो लोगों को बोलते हैं कि भैया यहाँ पे अब आप इसको चलाइए, हम आपको अपने जो स्टैंडर्ड है वो सेट करके दे देंगे, ट्रेनिंग्स दे देंगे, इस तरीके से होना चाहिए और आपको उसको रन करना है। यहाँ पे जो भी कंपनी की होती है ऑपरेशन कॉस्ट बच जाती हैं, क्योंकि उसके बाद जो भी फ्रेंचाइजी लेगा या उसको ऑपरेट करेगा उसको सारे के सारे खर्चे खुद ही उठाने पड़ेंगे और ऑपरेशंस का भी सारा का सारा ध्यान उनको ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ परसेंटेज फिक्स हो जाती है या कुछ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे आ जाते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये चार मॉडल थे जो कि आपको ध्यान रखने हैं और उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, चाहे आप कोई सा भी मॉडल इसमें से ले रहे हो। बाकी कोको तो आप ले ही नहीं सकते, आप फोको, फोफो और या कोफो को ले सकते हो। इवन कोफो वाला मॉडल भी अगर कोई कंपनी चाहेगी तभी वो होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और फ्रेंचाइजीज़ के बारे में आपको कुछ नया मिल गया होगा। बाकी जैसे मैंने आपको जो फोको और फोफो मॉडल के बारे में बताया, तो जब भी आप एग्रीमेंट्स करें थोड़ा उन चीज़ों को जरूर पढ़ें, उन चीज़ों को जरूर ध्यान रखें ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स हो मुझे नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।